गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया यानी वर्ब्स। क्रिया की क्या परिभाषा होती है? जिन शब्दों से किसी काम के करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, और तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, खाना, रोना, नहाना, जागना, आना, डरना, उतरना, उड़ना, चलना, भागना, बैठना, तैरना, डूबना, उगना, टहलना, उठना, खरीदना, बेचना, लिखना, खेलना, लेना, देना, छोड़ना, पहनना, पीना, पकड़ना, करना, गाना, देखना, हंसती, शर्माना, झिझकना यानी हेजिटेट होना, झिड़कना यानी डांटना, फैलना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया शब्द है। क्या है? ये क्रिया शब्द है। इनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। जैसे मोहन सो रहा है, राधा खा रही है, बच्चा रो रहा है, नदी में भक्त नहा रहे हैं, मोहन जाग रहा है, मामा जी आ रहे हैं, वह शेर से डरता है, तो ये डरना वगैरह क्या है? ये सब क्रिया है। तो इस प्रकार से हम उसके वाक्य बना सकते हैं। जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं, हाथी धीरे धीरे चलता है, मोहन तेजी से भागता है, माता जी घर में बैठी है, मछली पानी में तैरती है, बालक नदी में डूब गया, उगना खेत में अच्छी फसल उगती है, टहलना हमें रोज टहलना चाहिए, उठना हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, खरीदना बाजार से माँ फल खरीद के लाई, बेचना दुकानदार सामान बेच रहा है, लिखना मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा, ये सब लिखना, बेचना, खरीदना, ये सब क्या है? डूइंग वर्ड यानी क्रिया शब्द। इसे क्या कहेंगे? हम क्रिया कहेंगे। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, उसे किया नहीं जा रहा, वो अपने आप हो रही है, तो जो काम को करने या होने का पता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। अब जैसे लेना, मैंने मोहन से पुस्तक ली, देना मैंने मोहन को उधार दिया, छोड़ना मुझे पिताजी ने कार से स्कूल छोड़ा, पहनना मैंने नई फ्रॉक पहनी, पीना हमें रोज दूध पीना चाहिए, करना हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, गाना कोयल मधुर स्वर में गाना गाती है, देखना हमें ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, हंसती राधा बात बात पर हंसती है, शर्माना लता शर्माती है, झिझकना मोहन को किसी से बात करने में झिझक होती है यानी हेजिटेट होता है वो, झिड़कना बच्चों को बात बात पर नहीं झिड़कना चाहिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फैलना बुरी बातें जल्दी फैलती है यानी हम किसी के बारे में यदि गलत बात कहते हैं वह जल्दी फैलती है, इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये क्या है? क्रिया शब्द है। अब क्रिया शब्द में है और है भी आता है, ये इसके लिए आता है, ये आर के लिए आता है। जैसे बच्चा हंस रहा है, ये क्या है शब्द क्या है? ये है क्या है? क्रिया शब्द है और बच्चा एकवचन है, इसलिए ह आएगा यानी इस पे अनुस्वर नहीं आएगा, लेकिन यदि बहुवचन होगा तो बच्चे हंस रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और वो हंस रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? हैं। इसको क्या करेंगे? अनुस्वर, इसमें अनुस्वर लग जाएगा। इस ह का मतलब होता है इस और इसका होता है आर, यानी ये एकवचन में लगता है और ये
बहुवचन में लगता है। अब हम क्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए उसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमें क्रिया भली भांति समझ में आ जाए। क्या है एक्सरसाइज? नीचे दिए गए वाक्यों की क्रियाएं छांटकर सामने लिखो। जैसे इस सेंटेंस में कौन सा शब्द क्रिया है वो हमें छांटकर सामने लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, बच्चा सो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रिया छांट के लिखनी है हमें, तो हम लोग लिखेंगे सो रहा है, बच्चा सो रहा है। हमने चाय पी ली, ये एक सेंटेंस है, इसमें से हमें क्रिया शब्द छांट के लिखना है। चाय नहीं लिखेंगे, चाय संज्ञा शब्द है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी ली। पीना क्रिया है तो हमने पी ली लिख दिया। माँ ने खाना बनाया तो हम क्या लिखेंगे? बनाया। बनाना क्या है? एक क्रिया वर्ड है। बगीचे में बहुत से पेड़ हैं। अब पेड़ क्या है? पेड़ है नहीं लिखे, पेड़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि पेड़ क्या है? संज्ञा शब्द है, तो हम लोग सिर्फ इसमें है लिखेंगे, और है में अनुस्वर इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारे पेड़ है। वह घर गया है, तो यहाँ पे घर संज्ञा शब्द है, गया है क्या है? डूइंग वर्ड है, तो हम लोग गया है, एक है तो है, मैं अनुस्वर नहीं लगेगा। मैंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी क्या है? संज्ञा शब्द है, उसे नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? डूइंग वर्ड को। क्रिया क्या हुई है? लिखने की क्रिया हुई है, तो लिखी। राजू हंस रहा है, अब यहाँ पे हंस रहा है, हंसना भी एक क्रिया है, तो पूरा लिखेंगे हंस रहा है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो ये क्या है? पेड़ क्या है? संज्ञा शब्द। पर क्या है? कारक। और क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? कूदने की क्रिया हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? कूद रहा है। क्या लिखेंगे? बंदर पेड़ पर कूद रहा है। माँ खाना पका रही है, तो खाना पका रही, खाना भी खाना पका रही है, क्या क्या कर रही है? खाना पका, पकाने की क्रिया हो रही है, तो पका रही है। हमें अनुस्वर लगाएंगे, पूछे क्यों? क्योंकि माताजी हमारे लिए पूजनीय है, सम्मानजनक है, इसलिए हम लोग उनके लिए ये अनुस्वर लगाते हैं। अनुस्वर कब लगता है? बहुवचन में भी लगता है और आदर सूचक भी होता है, इसलिए। अभिनंदन केला खा रहा है, केला संज्ञा शब्द है, खा रहा है क्रिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? खा रहा है। बच्चे संज्ञा भी साथ में लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, तो संज्ञा कौन सी है, कारक कौन सा है, उसके बाद में क्रिया होती है। वहां एक गहरी खाई है, तो इसमें सिर्फ है लिखेंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पिताजी को अखबार बहुत पसंद होता है, इसलिए वो पढ़ रहे हैं। इसमें भी अनुस्वर लगाएंगे क्योंकि ये आदर सूचक है, पिताजी हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, इसलिए हम उनके आगे भी ये लगाएंगे, अनुस्वर लगाएंगे। शेर जंगल में दहाड़ रहा है, क्या कर रहा है? रोर कर रहा है, कौन कर रहा है? शेर, तो दहाड़ना क्या है? क्रिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? दहाड़ रहा है। बच्चों को इंग्लिश में तो सब पता है कि लायन रोर करता है, लेकिन हिंदी में नहीं पता है, तो हिंदी में इस पर मेरा एक वीडियो है, कौन से पशु पक्षी की आवाज क्या है, उस पर मेरा एक वीडियो है, आप जरूर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाथी क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, ऊंट क्या करता है, कौन सी साउंड करता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्रिया शब्दों को छांट कर लिख दिया। अब हम क्रिया को समझने के लिए अगली एक्सरसाइज करेंगे। हमारी एक्सरसाइज कैसी है? सही जोड़ों को रेखा खींच कर मिलाइए। कई बार तो बच्चे प्रश्न ही नहीं समझते हिंदी में, आपको क्या करना है? एक लाइन जोड़नी है सही शब्द के साथ। जैसे मैं कुर्सी पर, अमित केला, श्री कृष्ण बांसुरी, मैं झूठ नहीं, पंखा, चिड़िया आसमान में, मछली पानी में, वर्षा, बच्चे मैदान, बादल। अब इधर भी एक कुछ दिए हुए हैं, बोलता, चल रहा, तैर रही, हो रही है, गरज रहे हैं, खेल रहे हैं, उड़ रही है, बैठूंगा, बजाते हैं, खा रहे हैं, तो आपको, जैसे यदि आप मछली पानी में उड़ रही है तो नहीं होगा, क्या होगा इसका? मछली पानी में हमें ढूंढना होगा कि क्या हो सकता है, तो हम क से शुरू करते हैं। मैं कुर्सी पर बोलता, चल रहा हूँ, तैर रहा हूँ, हो रही है, गरज रहा है,
खेल रहा है, उड़ रही है, बैठूंगा। यस, कुर्सी पे क्या किया जाता है, बैठने का काम किया जाता है। तो हमने एक रेखा यहाँ से खींची और इसके पास ला दी। अमित केला, अमित क्या कर रहा है, केले को बोलेगा, चलेगा, क्या खा रहा है। तो हमने अमित के पास भी एक रेखा खींचकर इसके साथ इस सेंटेंस के पास मिला दी और हमने इसको ऐसे कर दिया। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, हमने फिर एक लाइन लाए और हम लोग फिर ऐसे ले गए, बजाते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, अब इसको ऐसे लाए और इसको ऐसे कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलता, सेंटेंस बन गया। पंखा क्या होगा, पंखा 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 गरज रहा है, पंखा उड़ रहा है, पंखा खेल रहा है, पंखा तैर रहा है, पंखा हो रहा है, नहीं, पंखा चल रहा है। क्या लिखेंगे, पंखा चल रहा है। चिड़िया आसमान में क्या है, बचा क्या है हमारे पास, उड़ रही है, खेल रही है, गरज रही है, हो रही है, तैर रही है, क्या बचा, बचा उड़ रही है। हाँ, आसमान में क्या करती है चिड़िया, उड़ने का काम करती है। देखो चिड़िया क्या कर रही है, आसमान में उड़ रही है, बहुत सारी चिड़िया बनाने, चिड़िया आसमान में क्या करती है, बहुत सारी चिड़िया है, तो इसमें अनुस्वर भी लगाएंगे, उड़ रही है, तो इसको ऐसे ये गया हमारा, ऐसे एरो का निशान लगा देंगे। मछली पानी में क्या करती है, गरजती है, खेलती है, हो रही है, तैर रही है, तैर रही है, स्विम करती है, मछली जल की रानी है। वर्षा क्या हो रही है, अब क्या, कितने बच्चे खेल रही है, गरज रही है, हो रही है, वर्षा हो रही है, अपने आप होती है, इसको कैसे मचिंग करेंगे, हो रही है। और बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बादल क्या कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, इसको हो गया, बादल गरज रहे हैं, तो बादल गरज रहे हैं, इस प्रकार से आप मिला देंगे तो ये क्या होगा, रेखा खींचकर मिला दी, हमने रेखा को खींचा और मिला दिया। रेखा फिल्म वाली नहीं होगी, ये वाली रेखा, रेखा यानी लाइन, मैच द फॉलोइंग। पहले आप प्रश्न को ध्यान से समझना सीखें, उसके बाद में आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप यदि क्रिया को करेंगे तो आप भली भांति समझ जाएंगे। क्रिया को समझने के लिए हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज करते हैं, इसमें क्या करना है, उचित क्रिया शब्द भरना है, यानी हमें उचित वर्ब लिखनी है इसमें। जैसे रोटी पानी में गिर गई, आपने ग्रीडी डॉग की स्टोरी सुनी होगी, लालची कुत्ता, मेरा एक वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें एक कहानी है लालची कुत्ता बोलकर, उसमें क्या होता है कि उसकी रोटी पानी में गिर जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोटी पानी में गिर गई, ये हमारा क्रिया शब्द है। कोयल मधुर गीत गाती है, आपकी पुस्तक अलमारी में है भी अपने आप में एक क्रिया है। छात्रों ने दीवार को चित्रों से सजाया, ये भी एक क्रिया है। तो जो क्रिया शब्द लिखेंगे उसको हम रेखांकित भी करेंगे। बहुत से लोग मेला देखने गए, बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, खिला रही क्या है, डूइंग वर्ब, क्रिया। घूमने में बड़ा मजा आएगा, कमरा गंदा मत करो, ये भी डूइंग वर्ड है। मोनिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी क्रिया शब्द है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छुट्टी की घंटी बजी, बच्चों को बहुत पसंद होती है छुट्टी की घंटी, बच्चों के कान छुट्टी की घंटी पे ही लगे रहते हैं कि कब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजे और कब उन्हें बाहर जाने को मिले। माँ ने मिठाई बनाई, माली ने पौधे लगाए, लगाना भी एक डूइंग वर्ड है, क्रिया है। बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं, लेकिन तितलियां उनके हाथ में नहीं आती। भिखारी ने फटे कपड़े पहने थे, बच्चा गड्ढे में गिर गया, रमा ने आइसक्रीम खाई, अकेले अकेले आइसक्रीम खाने से दांत में कीड़े हो जाते हैं, इसलिए हमेशा आइसक्रीम बांट के खानी चाहिए। भैया को सांप ने
काट लिया। माँ चारपाई पर सो रही है। बंदर पेड़ पर कूद रहे हैं। मछली पानी में क्या कर रही है? मछली पानी में तैर रही है। कूद रही है नहीं लिखेंगे, जो उचित क्रिया शब्द होगा वही लिखेंगे। तैर रही है। कुत्ता रात को जोर जोर से भौंक रहा था। दहाड़ रहा था नहीं लिखेंगे, भौंक रहा था या बोल रहा था नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसकी साउंड लिखेंगे। मोहन पाठशाला जा रहा है। मोर नाच रहा है। नेताजी ने कहा, कहा भी अपने में एक डूइंग वर्ड है, कहना, ये सब भी डूइंग वर्ड में आता है, क्रिया में आता है। नेताजी ने कहा, सबको पता है नेताजी ने क्या कहा। तो इस प्रकार से हम क्रिया शब्द भर सकते हैं और क्रिया को भली भांति समझ सकते हैं। अब हम क्रिया की एक और एक्सरसाइज करेंगे। क्या एक्सरसाइज है? नीचे लिखे वाक्यों में दिए गए क्रिया शब्दों के उपयुक्त भरिए, उपयुक्त शब्दों से भरिए। हमें क्या करना है? जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाना नहीं भरना है, हमें जो सही है वही शब्द भरने हैं क्रिया के। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। खरगोश बहुत तेज दौड़ना नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। राम ने कल वह फिल्म देखना, देखना नहीं होगा, क्या कहेंगे हम इसमें? देखी। राम ने कल वह फिल्म देखी। गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां फैलती, फैल जाती है, इसलिए हमें साफ सफाई रखना चाहिए। छतरी ले लो नहीं तो भीगना नहीं लिखेंगे, भीग जाओगे, भीग जाओगे। उन्होंने अभी दूध पीना, उन्होंने अभी दूध पिया, पिया है, उन्होंने अभी दूध पिया है। तुम कल अवश्य जाना, तुम कल अवश्य जाओ। पिताजी सारा दिन सोचना, पिताजी सारा दिन सोचते रहे। कविता कल दिन भर सोना, कविता दिन भर सोती रही। तो सोता है वो खोता है। राजकुमार और उसके साथी लौटना, राजकुमार और उसके साथी लौट आए। युवराज आम की गुठलियां बोना, क्या लिखेंगे? युवराज आम की गुठलियां बो रहा है ताकि कल हमें आम के पेड़ मिल सके। महारानी ने एक सोने का पिंजरा बनाना, क्या बनाने थोड़ी बैठेगी वो, उसने बनवाया, बनवाया लिखेंगे, उचित क्रिया शब्द क्या है? बनवाया। रमेश की पुस्तक कल खोना, रमेश की पुस्तक कल खो गई। संभाल के नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज खो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खोना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? खो गई। तो इस प्रकार से उचित क्रिया शब्द ही आपको भरना है, जो सही होगा वही भरना है। भीगना नहीं लिखेंगे, भीग जाओगे। पीना नहीं लिखेंगे, पिया है। जाना नहीं लिखेंगे, जाओ लिखना है। सोचना नहीं लिखेंगे, सोचते रहे। सोना नहीं लिखेंगे, सोचती रही। लौटना नहीं लिखेंगे, लौट आए। बोना नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बो रहा है। बनाना नहीं लिखेंगे, बनवाया। खोना नहीं लिखेंगे, खो गई। इस प्रकार यदि आप क्रिया की प्रैक्टिस करेंगे तो क्रिया आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। और आपको किसी प्रकार की कोई ग्रामर में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है वो बढ़े। और आप मुझे बताइए कि ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक पे आपको दिक्कत आती है, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।